हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आप अपना LIC का प्रीमियम घर बैठे ऑनलाइन किस तरह से पे कर सकते हो। दोस्तों, आपके पास वक्त कम होता है, आपका प्रीमियम टाइम से पे नहीं हो पाता है, तो चलिए आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे आपका LIC का प्रीमियम किस तरह से पे कर सकते हो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हो, चलिए मोबाइल में आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अभी आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐप है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो, बट आपको उसके लिए ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। यदि आपने इंस्टॉल किया है तो आपके लिए इजी है, अदरवाइज़ आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐप। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है इसमें आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट आप LIC के साइट पर जाके कर सकते हो। गूगल में LIC टाइप करके आपको हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है मुझे www.lic.india.in। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन करना है मुझे। ये ओपन किया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेनू का ऑप्शन है, ये मेनू का ऑप्शन है, इसको अगर आप ओके करते हो तो क्या आता है, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रीमियम पेमेंट, इसको ओके करके आप ओपन कर सकते हो। दूसरा, इससे भी ईजी, वापस से इसको यहाँ पे क्लिक करके वापस से बैक हो जाता हूँ मैं, और आपको उससे भी इजी इसको थोड़ा सा और नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया है पे प्रीमियम ऑनलाइन, आप डायरेक्टली इसको टच कीजिए। इसको टच करते हैं, अब यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है दिस लिंक विल टेक यू टू एन एक्सटर्नल साइट, ओके पे टिक करना है आपको। यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन और थ्रू कस्टमर पोर्टल। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कस्टमर पोर्टल के थ्रू कीजिए, ताकि अगर आपने एक बार कस्टमर पोर्टल के थ्रू करेंगे, एक बार रजिस्टर हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर पॉलिसी नंबर, तो आपको इसके थ्रू बहुत सारे सर्विस ऑनलाइन चेक कर सकते हो आप। तो मैं आपको सजेशन दूँगा कि आप थ्रू कस्टमर पोर्टल कीजिए। तो चलिए अभी इसके बाद हम इसको टच करते कस्टमर पोर्टल को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन, नीचे का जो ऑप्शन दिया है एक है रजिस्टर्ड पोर्टल यूज़र, दूसरा ऑप्शन है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब ये दोनों क्या है, जैसे मैं पेमेंट ऑलरेडी रेगुलर करता हूँ, ऑनलाइन ही करता हूँ, इसी तरह से करता हूँ, मैंने मेरा मोबाइल नंबर मेरा पॉलिसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है, तो रजिस्टर्ड पोर्टल के थ्रू करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे टिक करके कर सकते हो। अभी उसके लिए क्या करना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है। आप देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पर दिया है पॉलिसी नंबर आपको डालना है, यहाँ पर आपको प्रीमियम आप कितना पे करते हो वो डालना है, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, इसके बाद आप मेल फीमेल वो डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, पैन नंबर डालना है, इस तरह से ये सिंपल डिटेल है जो ऑलरेडी आपके पास होता है वो डाल के यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे टिक करना है आपको। ये टिक करने के बाद आपको ये प्रोसीड का बटन है, ये प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जब आप प्रोसीड क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बैक जाना है, फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड पोर्टल ये ओपन करना, आप देख सकते हो यहाँ पे ये डालना है आपको, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, और फिर ये साइन इन पे टिक करना है आपको। तो चलिए ये करके मैं नेक्स्ट पेज दिखाऊंगा, ये आपको नहीं दिखाऊंगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर किसी से भी शेयर नहीं कीजिए अपने अलावा, ठीक है दोस्तों। तो आगे का नेक्स्ट पेज से आपको दिखा देता हूँ, ये साइन इन करने के बाद आपका जो पेज खुलेगा उसके बारे में। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक नया पेज खुल चुका है, मैंने लॉगिन किया, अब ये मेरा
जो पॉलिसी नंबर है ये खुल चुका है, यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल पॉलिसी डिटेल। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, सेल्फ पॉलिसीज, स्पाउस पॉलिसीज, बेसिक सर्विसेज, नो योर प्रोडक्ट्स, प्रीमियम सर्विसेज, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है। मुझे क्या करना है अभी, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला सर्कल आप देख सकते हो यहाँ पे है ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन। अब मुझे इसको टिक करना है, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो मेरा जो पॉलिसी है जो पे करना है प्रीमियम वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले सबसे ऊपर देखिए लिखा है ये ऑप्शन रिन्यूअल प्रीमियम रिवाइवल, ये प्रीमियम पेमेंट का जो ऑप्शन है यही टिक करना है आपको। अब इसको ओपन करते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ये जो पॉलिसी नंबर है यहाँ पे ये टिक करना है आपको, और फिर नीचे नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया है चेक एंड पे, चेक एंड पे पे टिक करना है सबसे नीचे, यहाँ पे चेक एंड पे के नीचे पास टिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। अब आपको सिर्फ पेमेंट करना है, वो ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो जो नेक्स्ट है आप सबसे नीचे यहाँ पे चेक एंड पे क्लिक कर दीजिए। अब आगे आपका कार्ड का डिटेल मांगेगा, पेमेंट डिटेल, अमाउंट देख लीजिए आप यहाँ पे, ये अमाउंट है 844 रुपीज़ ग्रैंड टोटल, ये मुझे पे करना है, ये अमाउंट मुझे पे करना है। अब यहाँ पे वापस आप देख सकते हो चेक एंड पे इस पर क्लिक करना है तो कार्ड का डिटेल मांगेगा, और मैं अपना कार्ड का डिटेल यानी कार्ड नंबर CVV नंबर डाल के और ओके कर दूंगा, मेरा पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बता रहा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किस चीज़ से पेमेंट करना है, मुझे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है, पेमेंट कितना अमाउंट करना है 844 रुपीज़। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है मुझे, वीज़ा है क्या है वो सेलेक्ट करना है, एक्सपायरी डेट, कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, ये सब डालना है। ये डाल के मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये सारा कार्ड डिटेल, एक्सपायरी डेट और CVV डाल के आपको ये हाइड कर दिया है ये नंबर्स, ये करके अभी पेमेंट पे ओके करना है। अब ये आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी आपको ये मेक पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, ये क्लिक कर देते हैं। ये खुल रहा है पेमेंट का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो OTP के लिए पेज खुल गया, यहाँ पे OTP डालना है, इस जगह पे OTP डालना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है, ये सबमिट कर देना है। जैसे ही OTP सबमिट करूँगा 844 रुपीज़ पेमेंट हो जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आप देख सकते हो ये पेमेंट हो चुका है। आपका पेमेंट जिस तरह से आप करते हो ऑफिस में जाके आपको रिसीट मिलता है, यदि आपको रिसीट चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड रिसीट कर सकते हो। यदि इसको डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिसीट मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको पेमेंट करना है। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।